Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study an important topic from accountancy and that is basis of accounting. चलिए फिर हम लोग बात करते हैं कि आखिर basis of accounting हमारे पास कौन कौन से हैं. तो there are two basis of accounting. एक है अपना cash basis of accounting, second है अपना accrual basis of accounting. ठीक है, अब यहाँ पे जो basis of accounting है इनके बेस पे हम लोग जब accounting करते हैं जिससे हमें end of the year profit और loss पता करने में आसानी रहती है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में. जैसे कि नेम से ही क्लियर हो रहा है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे जो बेस माना गया है वो किसको माना गया है, कैश को. यानी कि जैसे ही या तो आपको कैश रिसीव हो या आपने कैश पेड की हो तुरंत आप बुक्स में नोट करोगे रेदर देन अकर करने से कोई मतलब नहीं होता है. जैसे ही वो कैश या तो रिसीव हो या तो कैश पेड हो आप बुक्स में नोट कर लोगे. वेदर इट रिलेट टू करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर, किसी से भी ईयर से रिलेट करती हो उससे मतलब नहीं होता. बट आपने ड्यूरिंग द ईयर या तो उसका पेमेंट किया है या तो वो रिसीव हुई है आप तुरंत बुक्स में उसको नोट कर लोगे. तो यहाँ पे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला गया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड. तो ट्रांजेक्शन को हम कब नोट करते हैं बुक्स में, व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, जब या तो आपको कैश मिली हो या आपने कैश का पेमेंट किया गया हो. इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश. और रेवेन्यू आपकी जब ही रिकॉग्नाइज्ड मानी जाएगी जब वो कैश में रिसीव्ड हो गई हो. ठीक है, यानी कि रेवेन्यू का मतलब इनकम. इनकम आप जब ही नोट करोगे जब वो कैश में रिसीव होगी. आप जब तक इनकम को नोट नहीं कर सकते हो जब तक वो मिली ना हो. ठीक है, आगे बात करते हैं. लाइकवाइज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किए जाएंगे, एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे हैव बीन पेड. इसी तरीके से आप एक्सपेंसेस को जब नोट करते हैं जब वो पे किए गए हों, जिस डेट को पेमेंट किया गया हो. जैसे रेंट इस साल का अगर 10 मंथ्स का ही दिया गया है, आउट ऑफ 12 मंथ्स आपने जो रेंट पेड किया है ओनली फॉर 10 मंथ्स, तो हम लोग 10 मंथ का ही नोट करेंगे जितना हमने कैश में पेमेंट किया है, और जिस दिन पेमेंट किया है उस दिन ही नोट होगा. ठीक है, अगर मान लो कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है 6 मंथ्स का इसमें इंक्लूड है, 6 मंथ का नेक्स्ट में है, तो आपने पेड कर दी, जिस ईयर पेड किया आप उसी ईयर नोट कर लोगे. ठीक है, इतना आपको इसमें ध्यान रखना है. अब आगे बात की गई है, दस व्हेन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड, जब हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम एंड एक्रूड इनकम आर नॉट कंसीडर्ड. तो हम लोगों को यानी कि ये जो चार एडजस्टमेंट हैं, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस और एक्रूड, ये हमें कंसीडर नहीं करने पड़ते हैं और ना ही इनके एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं. ठीक है, कौन से वाले में, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में. अगर हम कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बात करेंगे भाई फॉलो कौन करता है, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड बाई अ नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. जो NPO होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके द्वारा ये फॉलो मोस्टली किया जाता है. और वो लोग जो NPO हैं, NPO एक एंटरप्राइज है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है इस बेस पे. क्या बनाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. तो NPO रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करता है किस बेस पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे. ठीक है, हम आगे बात कर लेते हैं बेटा, यानी कि accrual basis of accounting मोस्ट इंपॉर्टेंट है. accrual basis of accounting मोस्टली इसी को फॉलो किया जाता है. तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या बोला गया है कि अंडर द accrual basis, accrual basis में क्या बोला गया है, तो अंडर द accrual basis इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज अर्नड. इनकम को आप, इनकम को आप जब रिकॉर्ड करोगे जब इनकम अर्न की गई हो, रेदर देन इट इज़ रिसीव्ड. ठीक है, रिसीव करने से मतलब नहीं है. जैसे इस साल का जो भी इंटरेस्ट है भले ही अगर हमें रिसीव नहीं हुआ है, अक्रूड है, तो उसको हम लोग बुक्स में नोट करेंगे चाहे रिसीव हुआ हो चाहे ना हुआ हो. और एग्जांपल लेंगे सपोर्ट डेट के, आज के दिन आपने 50,000 की मतलब गुड्स सोल्ड किया हुआ है, तो वो आज की ही इनकम मानी जाएगी भले ही आपने उधार गुड्स बेचा हो, चाहे कैश रिसीव हुई हो चाहे ना हुई हो, लेकिन इनकम वो आज की ही मानी जाएगी. इसलिए बोला गया कि इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम व्हेन इट इज़ अर्नड, जिस जब आपने अर्न की हो तो उसी दिन आप बुक्स में उसको इनकम को नोट करते हो. आगे बोला गया, सिमिलरली इफ़ एन एक्सपेंस हैज़ बीन इनकर्ड, अगर कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया हो बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, इट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस. तो अगर आपने कोई एक्सपेंस इनकर्ड किया है और भले ही उसका पेमेंट नहीं किया है, लेकिन वो
उसी पीरियड का एक्सपेंस माना जाएगा। जैसे इस ईयर का अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया है तो वो इसी ईयर का ही इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस माना जाएगा और इसी ईयर नोट होगा वो, ठीक है, भले ही आपने पेड ना किया हो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दस अंडर दिस सिस्टम द मॉनिटरी इफेक्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज टेकन इन टू अकाउंट इन द पीरियड इन विच दे आर अर्नड रेदर देन इन द पीरियड इन विच कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि हमें मॉनिटरी इफेक्ट उस ईयर शो करना है किसी ट्रांजेक्शन का जिस ईयर वो या तो इनकर्ड हुए हों या फिर अर्नड हुए हों। एक्सपेंस है तो इनकर्ड हुआ होगा, तुरंत हम उसको नोट कर लेंगे भले ही आपने पेमेंट नहीं किया हो। इसी तरीके से कोई इनकम है वो अर्नड हो गई हो, तुरंत हम उसको नोट कर लेंगे भले ही वो आपको रिसीव ना हुई हो। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बोला गया कि इट फॉलोज़ रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये जो अपना एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये अकाउंटिंग के टू मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कंसीडर करता है, उनकी बेस को फॉलो करता है उनको। कौन कौन से, एक तो है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और दूसरा कौन सा है मैचिंग कॉन्सेप्ट, उन दोनों को फॉलो करता है। ठीक है, और जो इस साल के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होंगे उनमें डिफरेंस पता करके हम लोग एंड ऑफ द ईयर ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस पता कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पीरियड का कितना प्रॉफिट आया कितना लॉस हुआ है। तो एक्सपेंसेस माइनस क्या कर देंगे रेवेन्यू या फिर इनकम जिसको हम लोग बोलते हैं, क्लियर। और यहाँ पे एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में ये वाले जो एडजस्टमेंट हैं वो इसमें आपको करने पड़ेंगे एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में, यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, प्रीपेड एक्सपेंस का, एक्रूड इनकम का, और इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा है एडवांस इनकम, इन सभी के एडजस्टमेंट हम लोग इसमें एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये दोनों बेसिस होगा, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्रुअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।